साल 2018 में नई परंपराओं से सुर्खियों में रहे वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी, देखें तस्वीरें। साल 2018 में वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी खूब सुर्खियों में रहे। देश विदेश तक बांके बिहारी के नाम की चर्चाएं हुई। साल 2018 में बांके बिहारी न्यायिक प्रक्रिया का भी हिस्सा बने। इन चर्चाओं के बीच कई नई परंपराओं भी शुरू होगी। पहली बार ठाकुर जी ने प्रातकालीन बेला में जगमोहन तक आकर भक्तों को दर्शन दिए। फूल बंगला भी प्रातकालीन बेला में सजाए गए। दशकों की परंपरा को देखते हुए यह पहली बार हुआ है। अतीत के झरोखों में नजर डाले तो वर्ष 2018 में ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शन के लिए पिछले साल के मुकाबले ज्यादा भक्त वृंदावन पहुँचे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में 25% का इजाफा दर्ज हुआ है। 1 जनवरी 2018 को ही लाखों भक्तों ने बांके बिहारी के दर्शन किए थे। भगवान के दर्शन का यह सिलसिला पूरे साल चलता रहा है। नूतन वर्ष में भी वृंदावन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। साल 2018 बांके बिहारी न्यायिक प्रक्रिया का भी हिस्सा बने। न्यायालय के आदेश पर कई नई परंपराएं भी शुरू होगी। इसमें हाईकोर्ट के आदेश पर 9 अगस्त से 11 जुलाई हरियाली अमावस्या तक ठाकुर बांके बिहारी ने गर्भगृह में फूल बंगले में भक्तों को प्रातकाल दर्शन दिए। शरद पूर्णिमा पर पहली बार सुबह ठाकुर जी ने अपने स्वर्ण रजत सिंहासन पर बैठकर वंशी धारण की।